महाराष्ट्र के भंडारा में बहुत बड़ा हादसा, अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत। भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग, रात के वक्त हुआ हादसा। वार्ड में कुल 17 बच्चे भर्ती थे, झुलसने से 10 बच्चों की गई जान। आग लगने पर 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, हादसे पर उठे सवाल। शॉर्ट सर्किट से जिला अस्पताल में आग लगने की आशंका, देर रात करीब 2 बजे धुआं निकलता दिखाई दिया। अस्पताल के स्टाफ ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वार्ड में धुआं फैलने से नहीं बच सके नवजात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री और इलाके के डीएम से ली पूरी जानकारी, घटना की जांच के आदेश दिए। भंडारा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ट्वीट करके लिखा, भंडारा की घटना बेहद दर्दनाक। गृहमंत्री अमित शाह ने भी नवजातों की मौत पर दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित परिवार को पूरी मदद देने की अपील की। आज एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, किसानों के साथ दिन भर कार्यक्रम। 74 लाख किसानों के घर जाएगी बीजेपी, 48,000 गांवों में चलेगा बीजेपी का एक मुट्ठी चावल अभियान। पहले वर्धमान के राधा गोविंद मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा, बाद में घर घर जाकर जमा करेंगे एक मुट्ठी चावल। किसानों के घर से जमा चावल से खिचड़ी बनाएगी बीजेपी, महीने के आखिर में अमित शाह के दौरे के वक्त आयोजित होना है कार्यक्रम। वर्धमान में 3 बजे के बाद होगा जेपी नड्डा का रोड शो, क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन रोड तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो। वर्धमान में जेपी नड्डा के रोड शो की तैयारियों के दौरान हादसा, 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आकर झुलस गया एक शख्स। वर्धमान में आज 40,000 कृषक सुरक्षा ग्राम सभा का उद्घाटन भी करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर टीएमसी ने कसा तंज, कहा दिल्ली के किसानों को क्यों नहीं देखती बीजेपी। वो अपने किसानों को देख रहे हैं क्या, क्या करेंगे वो, दिल्ली को देख रहे हैं क्या। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने फेंका लव जिहाद कानून का दाव, नरोत्तम मिश्रा बोले सरकार बनी तो बनाएंगे कानून। धर्मस्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्मस्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का पलटवार, कहा पश्चिम बंगाल में लव जिहाद या फिर गौहत्या के खिलाफ नहीं बनेगा कोई कानून। लगातार टीएमसी से भंग हो रहा है लुंग का मुंह, बांकुरा में बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल के 1,000 कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2021 का किया उद्घाटन, वीडियो कॉल से किया उद्घाटन। शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर सीएम ममता बनर्जी को किया याद, कहा मिस कर रहा हूं आपको गले लगाना। निर्देशक अनुपम सिन्हा भी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर बतौर अतिथि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने 2 दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की, 27 जनवरी से विशेष सत्र का आयोजन। ममता सरकार 2 दिवसीय विशेष सत्र में मौजूदा 3 कृषि कानून के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, कांग्रेस और लेफ्ट से मांगा सहयोग। बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं, कैबिनेट विस्तार के लिए नीतीश को बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। कोरोना काल में भारत और भारतीयों की मदद के लिए प्रधानमंत्री ने प्रवासियों का शुक्रिया अदा किया, कहा आपके संस्कार दुनिया में उजागर हो रहे हैं। विश्व में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत बताया, कहा तकनीक से भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद का भी जिक्र किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत खड़ा हुआ तो दुनिया का साथ मिला। देश में अगले सप्ताह शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पहला चरण, ड्राई रन में तैयारी पूरी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे वर्चुअल संवाद, टीकाकरण को लेकर होगी चर्चा। सही वक्त पर राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर, वैक्सीन की खेप पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना से साधा संपर्क। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीजीसीए ने एयरपोर्ट को जारी किए गाइडलाइंस, तमाम जगहों पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए बर्फीले पैकेट्स का दिया जाएगा सहारा।
महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, केंद्र सरकार उठाए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का खर्च। लंदन में सैलून जाकर घिरी प्रियंका चोपड़ा, भरना पड़ सकता है जुर्माना, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। प्रियंका चोपड़ा का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोपों का सिरस इनकार। लंदन में सैलून, टैटू पार्लर, मसाज पार्लर जाने की अभी तक इजाजत नहीं है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार, बीजेपी पर घर चुन चुन कर बुलडोजर चलवाने का लगाया आरोप। सीएम योगी और बीजेपी पर आरोपों के दौरान अखिलेश यादव ने दिया विवादित बयान, कहा अपनी सरकार बनने पर मैं भी इनके घरों पर चलवाऊंगा बुलडोजर। चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। फिर बेनतीजा रही सरकार के साथ किसानों की बातचीत, तीनों कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी, आज करेंगे आपस में बातचीत। कानून में संशोधन के लिए तैयार है सरकार, 15 जनवरी को फिर से होगी माथा पच्ची। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों ने आगे की रणनीति का किया ऐलान, 13 जनवरी को जलाएंगे बिल की कॉपी। हमने भी साफ कर दिया कि इतने घर वापसी नहीं जाएंगे, कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, हमने भी कह दिया। कृषि कानून के खिलाफ झज्जर में विरोध के दिखे तरह तरह के रंग, एक किसान ने ट्रैक्टर से दिखाए करतब। सर्दी के सितम के बीच कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, शर्ट उतारकर ट्रैक्टर की सवारी की। कोरोना के बीच देश पर बर्ड फ्लू का भी संकट, उत्तर भारत में पोल्ट्री बिजनेस पर 50% का असर पड़ा। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, एक पार्क में मृत पाए गए कौओं की कराई जा रही है जांच, ओखला सेंचुरी के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार। चंडीगढ़ में मुर्गों और अंडों की बिक्री में 30% की गिरावट आई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ करेंगी बैठक, मीटिंग में कांग्रेस दफ्तर से जुड़े तमाम पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी की बैठक, मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली में आज कांग्रेस की हनुमान चालीसा राजनीति, हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध करेगी कांग्रेस। कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में मंदिर तोड़ने का सुनाया फरमान, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ मंदिर स्थल पर कार्यकर्ता करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। कोर्ट के आदेश पर तोड़े जा रहे हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कर रहे वार पलटवार, दोनों एक दूसरे पर ढिलाई का आरोप लगा रहे। कुछ राजनेताओं और हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की, आंध्र प्रदेश में मंदिर राजनीति, 9 मंदिरों को पुनर्निर्माण कराएगी जगनमोहन सरकार, 70 करोड़ रूपये का बजट। साल 2016 में टीडीपी के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश में तोड़े गए थे ये सभी 9 मंदिर, सड़क के चौड़ीकरण में बन रहे थे बाधा। कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार का राज्य की गरीब ब्राह्मण लड़कियों को तोहफा, गरीब ब्राह्मण कन्याओं की मदद के लिए अरुंधति और मैत्रेयी कल्याण योजना लॉन्च। कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी पर लड़की को मिलेंगे 3 लाख रुपए, जबकि अरुंधति योजना के तहत 25,000 रुपए की दी जाएगी मदद। समस्तीपुर में 19,000 लोगों को पहले चरण में लगेगा कोरोना का टीका, 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों और 3800 अन्य लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाया सवाल, 3rd चरण का ट्रायल नहीं होने का आरोप। जम्मू में कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। जम्मू में अब हाईवे पर सीसीटीवी से निगरानी, निगरानी कक्ष में बैठकर देखी जा रही हाईवे की गतिविधियां। 24 परगना के टीढ़गढ़ में जूट मिल में लगी आग, लाखों का नुकसान। अंबाला में किसानों का धरना जारी, तैयार की 26 जनवरी को होने वाली मार्च की रणनीति। हरियाणा के गोहाना पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदर्शन के दौरान मृतक किसान के परिजनों को दी सांत्वना। भुवनेश्वर में 50% क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल, लॉकडाउन के वक्त से थे बंद। अकोला पुलिस को मिली कामयाबी, 40 गायों से भरा कंटेनर पकड़ा, ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के खजूरी खास इलाके की एक मस्जिद में मिला 10 साल के बच्चे का शव, कल शाम से घर से लापता था।
मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने दो स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार किया। बाइक पर खतरनाक स्टंट वायरल हुए थे। बाइक पर स्टंट दिखाते हुए गिर गया था एक स्टंटबाज। वायरल वीडियो पर तफ्तीश भी जारी। बेलारी में एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन लोग झुलसे। हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा। पकड़े गए कारोबारी ने फलों से हेल्दी शराब बनाने की अनोखी दलील दी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा। मुठभेड़ में एक हुआ घायल। चावल कारोबारी से 13 लाख की लूट का मामला। बरेली में रेप पीड़ित गर्भवती लड़की के अस्पताल में मौत। नाबालिग से रेप के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। औरंगाबाद में 71 फर्जी किसानों पर केस दर्ज। जालसाजी कर करीब 1.10 करोड़ का लोन हड़प लिया। यूपी के शाजापुर में 12 साल की मासूम से रेप, दबोचा गया आरोपी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 8 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने 58 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अजमेर में कोहरे का कोहराम, ठंड ने भी लहाया कहर। 7 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप, हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं उत्तराखंड के पहाड़। मैदानी इलाकों में लगातार गिर रहा है तापमान। उत्तराखंड के चौपदा बद्रीनाथ मोटरमार्ग पर जमी बर्फ की मोटी चादर, स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू श्रीनगर हाईवे से हटाई गई बर्फ, छठे दिन शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। श्रीनगर में कल राहत के बाद आज फिर बर्फबारी शुरू। सुबह से अब तक 2 इंच तक गिरी बर्फ। घरों से लेकर सड़कों तक पर जमी बर्फ की मोटी चादर, मस्ती करते नजर आए सैलानी। दिल्ली में बारिश के बाद धुंध का कहर, कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 घरों में लगी आग, आर्मी के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। बेंगलुरु में पेंट और थिनर के गोदाम में लगी आग, 8 फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे। सिडनी टेस्ट में मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, दूसरी पारी में 100 रन की बढ़त। पहली पारी में 244 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। शुभन और पुजारा ने बनाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज के सामने फेल हुए निचले बल्लेबाज, महज 45 रन पर गिर गए आखिरी 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने झटके, सबसे ज्यादा विकेट 4 बल्लेबाजों को भेजा पेविलियन। 1-1 बराबरी पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज, इस मैच को जीतने वाली टीम बनाएगी बढ़त।